सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार योगी आशीष फीड एवं बेहतर जिंदगी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड पशु के जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ट्रांजिशन पीरियड होता क्या है? ये वह समय है यानी कि पशु के बच्चा देने ब्याने के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद के समय को हम ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। ट्रांजिशन पीरियड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि इसी समय में पशु के अडर यानी लोटी का सबसे ज़्यादा विकास होता है, यानी कि पशु को कितना दूध देना है, कितने लंबे समय तक दूध देना है, ये सारा निर्धारण इसी समय में होता है। साथ ही साथ पशु के अंदर जो गर्भाशय के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसका विकास भी सबसे ज़्यादा इसी समय में होना है। तो पशु का बच्चे का कितना विकास होना है, किस तरह का उसका वजन रहेगा, किस तरह का आपका बछिया रहेगी, वो सारे इस समय के पोषण पर निर्भर करता है। अब इन सब के साथ साथ पशु के ब्याह के समय में होने वाली परेशानियां जैसे जेर का फंसना, ठंडा बुखार, वजन का टूटना आदि समस्याएं हो जाती हैं। तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आशीष फीड ने एक स्पेशल फीड तैयार किया है जिसको हम ट्रांजिट प्लस बोलते हैं। ट्रांजिट प्लस फीड को देने के से क्या क्या आपको फायदे होंगे? एक तो आपके पशु के अडर यानी लोटी का विकास अच्छा होगा, वो लंबे समय तक दूध देगा। जैसे कि समस्याएं आ जाती है कि पशु दूध पीक पे तो जाता है लेकिन लंबे समय तक नहीं दे पाता, तो लंबे समय तक वो दूध देगा। साथ ही जो उसका बच्चा पैदा होगा वो स्वस्थ और तंदुरुस्त होगा। और जो ब्याह के समय की जो समस्याएं हैं जैसे कि जेर का फंसना, ठंडा बुखार, मिल्क फीवर जिसको हम बोलते हैं, वो कम से कम होगी। और वजन का टूटना, सामान्यतः देखा जाता है कि ब्याह के बाद पशु अपना वजन तोड़कर दूध देता है, तो अगर वजन टूटता यानी कि उसको बोलते हैं लो BCS बॉडी कंडीशन स्कोर या नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, एनर्जी की कमी होना, तो ये सब की अगर कमी रहेगी तो पशु आपका कमजोर होता है और कमजोर होने की वजह से वो समय पर गर्मी पर नहीं आता। तो समय पर अगर गर्मी पर नहीं आएगा तो पशुओं के ब्याह के अंतराल में बढ़ोतरी होगी यानी कि आपको फार्म पे इकोनॉमिकली नुकसान होगा। तो इन सभी समस्याओं यानी कि ब्याह का अंतराल को कम करना, जेर ना फंसे, ठंडा बुखार कम से कम होए और अच्छी क्वालिटी का दूध उत्पादन हो, तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए जैसे कि ठंडा बुखार, मिल्क फीवर जिसको हम बोलते हैं, और जेर का फंसना कम से कम हो, साथ में पशु का शरीर अच्छा बना रहे जिसको बॉडी कंडीशन स्कोर बोलते हैं, और समय पर गर्मी में आए, ब्याह का अंतराल कम हो, इसको इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें ट्रांजिट प्लस फीड का उपयोग करना चाहिए। ट्रांजिट प्लस फीड कैसे उपयोग में लाएं? इसको आप जब पशु के ब्याह के 15 दिन रह जाएं तो 500 ग्राम से शुरू करके ब्याने तक उसको 3 किलो तक ले जाएं और उसको ब्याने के बाद भी उसकी मात्रा 3 से 4 किलो आप उपयोग में लाते रहें। पशु की स्वास्थ्य के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से आप इसको 45 दिन तक खिला सकते हैं जिससे आपके पशु का स्वास्थ्य, बॉडी कंडीशन स्कोर अच्छा, रहेगा, आपका पशु लंबे समय तक दूध देगा और ब्याह के समय की समस्याएं कम से कम आएंगी।